दिखाओ बहनों, जो मर्जी दिखाओ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अपने बम तो ना दिखाओ। मूड मत खराब किया करो व्यूअर्स का। मोटू की हाइड एंड सीक जो है अब खत्म हो चुकी है। जुठियंगा कमजोरी लाल। एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और कमेंट जो है वो भर भर के चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की, जो बातें कुछ रह गई, आधी अधूरी सी वो वीडियो लगी मुझे, इसलिए मैं ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ। तो करते हैं अपना हॉट टॉपिक स्टार्ट। तो जी, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, बड़की पहुँच चुकी है शिमला। तो बड़की के शिमला पहुंचने से पहले कुछ कर लेते हैं उनके ऊपर बात, दुपट्टा के ऊपर। भाई भाभी का नाम नहीं लिया, क्यों? तुम उनके लिए भी कोई गिफ्ट लेकर आई थी? भाभी क्या पहले पहुंच गई? तुमने कहा कि आटा पहले पहुंच गया, क्या वो भाभी लेकर गई आटा? है ना, ये सारी बातें कि ट्रैवल करना पड़ा भाभी को बस में, क्यों करना पड़ा उनको ट्रैवल? उसने बोला था मैं बताऊंगी, क्या बात हुई, मुझे रोना आ गया। एक तो उसको रोना बड़ी जल्दी आता है, पर ऐसा क्या हुआ था ये चीज़ें उसने नहीं बताई? क्योंकि उसको पुल के ऊपर बैठकर समझाया गया, भाई नहीं, तुम ये सारी बातें शेयर नहीं कर सकती हो। जब हम इनके यहाँ पर बड़की जीजी के यहाँ गए थे, इन्होंने हमारी कितनी आवभगत करी थी, इसलिए गाड़ी जो है बड़के जीजा को देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अब हमें स्क्रिप्ट देनी है। तो हमें उससे पहले कम से कम उसको कुछ रिश्वत तो देनी होगी ना। तो मोटो होगा एक्सपोज, अभी लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ मेरे वीडियो में। मोटू को एक्सपोज कर करके मेरे एक्सपोज के भी ना सारे स्पेलिंग ख़त्म हो गए। पर मैंने कहा नहीं मोटू, मैं तो भाई एक्सपोज करती रहूँगी, तो झूठी ने भी थोड़ा सा हाथ दिखा दिया। आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों की बात है, जब जे बग्गा बग्गी पहुँचे हुए थे पटना, तो उस समय आप लोगों को पता था कि भाई पीछे से तारीख है, जाना है कोर्ट में, बच्चे को मिलवाना है उसके पिताजी से, लेकिन नहीं मिलवाया था। क्यों? क्योंकि भाई अपनी पुत्तन जो है वो अकेली थी, पुत्तन कैसे जाती? क्यों? पुत्तन मम्मी नहीं थी, कैब नहीं कर सकती थी। बहाने से नन्नू ने भी बोल दिया था, भैया जब तुम यहाँ से जा सकती थी, अकेली जा सकती थी, वीकेंड का वार खेल सकती थी, जब तो तुम चली जाती थी, लेकिन अब जो है करके ही दिखाया, बता दिया कि भाई देखो मैं कैसी हूँ, मैं गाड़ी भी हम लोग अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं, है ना। ड्राइवर कौन था जो इनको लेकर गया CST? वो ड्राइवर था इन्हीं के गांव का, वो जो ये करते हैं ना पापा जी का, वो जान पहचान वाला ड्राइवर, वही। वो वापसी में मोटू ने ले ली उससे गाड़ी, वापसी में वो भी बेचारा बस से ही अपने गांव जो है वापस आया, जाने की ड्राइवर अंकल वही वाले जिन्होंने सही सलामत माता जी को और पुत्र को CHD छोड़ा, ठीक है। माता जी गले नहीं मिल पाई, माता जी कहते ए झूठी, गले नहीं मिली, चल गले मिल ले, है ना। पीछे सारी बातें कर ली माता जी ने, वो खुजलाते खुजलाते उसने सारी बातें कर ली माता जी ने, लेकिन वो गले मिलने वाली जो मिलनी थी, पहले जूठी ने पहाड़ दिखाए, बाद में उसने मिलनी करी, है ना। नहीं दिखाया गया तो पुत्तन को नहीं दिखाया गया, अभी गाड़ी में वो भी पीछे बैठी है, लेकिन जुठियंका ने ये तो दिखा दिया कि ड्राइव जो है मोटू कर रहा है, मोटू को करा जूठी ने एक्सपोज, हमने नहीं। ये जो एक्सपोज्ड वर्ड निकला है ना, जो मेरे टाइटल पर आप लोग देखते रहते हो, ये जूठी की वहीं से आया हुआ है, ओके। ये करती ही रहती है एक्सपोज, कभी मदर को, कभी पुत्तन को, कभी मोटू को, बेस्ट फ्रेंड को, अभी इतने लोगों को इतने एक्सपोज करा, इतने लोगों को करा। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है, अपना पेट ये वर्ड हो चुका है, अब तो ये लिखा ही रहना चाहिए, है ना। अब मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि रात को जैसे मुझे पता लगा कि रतन टाटा जी नहीं रहे हैं अब इस दुनिया में, तो जहाँ पर भारत को इतना बड़ा लॉस हुआ है उनके जाने से, तो एक चीज़ ये भी है कि मैं भाई इतनी इमोशनल हो गई थी। भाई मैं क्यों इतनी इमोशनल हो गई? मैं कभी उनके ताज होटल में रुकी भी नहीं जाके, लेकिन मैं इमोशनल थी वाक्य में, क्योंकि भाई बहुत अच्छे इंसान थे। जिन्होंने उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी, कभी नहीं सुनी, वो देखे। मैंने अपने यूट्यूब टॉकीज पर उनके लिए मैंने वीडियो शेयर करी है, श्रद्धांजलि रूप मैंने एक वीडियो शेयर करी है वहाँ पर, अपने टूटे फूटे शब्दों से जैसे मैं श्रद्धांजलि दे सकी मैंने दी। लेकिन झूठी तेरी तो इतनी आवभगत हुई है, जब देखो ताज होटल ताज होटल ताज होटल, है ना, तुमने श्रद्धांजलि नहीं दी। हमारी भी फैमिली के साथ
उनका मतलब बहुत ही करीबी, मतलब अब मैं क्या है, मैं यहाँ पर नहीं बताती हूँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं ना मिली हूँ, मैं अपने तक बात रखती हूँ। मेरी फैमिली मेंबर्स में कौन मिले थे, किन मतलब कौन थे उनके इतने करीबी, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि इंसान वो बहुत ही नेक थे, लेकिन झूठी तुम एक पोस्ट शेयर कर सकती थी, तुम एक इतनी रीले बनाती हो, तुम इंस्टा पर कुछ शेयर कर सकती थी, तुम जो हो अपना फेसबुक पर तुम हो ही नहीं शायद, है ना, वहाँ शेयर कर सकती थी, कहीं तो कुछ शेयर करती, दो बोल, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो इसके पास शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं, डिक्शनरी ख़त्म, जैसे वेगास ना पढ़ सकी, डिक्शनरी ख़त्म थी वहाँ पर, और मोटो ने भी इसका साथ नहीं दिया। और मेरे को एक कमेंट आया जी पिंकी आईडी से, आप देखिए उन्होंने मतलब दिल खुश कर दिया। आप लोगों को बोलूं, इतने समय बाद उन्होंने ये कमेंट जब किया ना, कि मुझे याद आया कि पहले लोग मेरे को यही कमेंट करा करते थे जब मैं इनके ऊपर बहुत वीडियोस बनाती थी, है ना। अच्छा, कमेंट ये किया करते थे, वीडियो तो सारा दिखाओ बहनों, जो मर्जी दिखाओ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अपने बम तो ना दिखाओ। क्या दिखाती हो, क्या दिखाती हो, फ्लैट बम क्यों दिखाती रहती हो, क्यों दिखाती रहती हो, वाई, है ना, ये सारी चीज़ें। तो भाई अब तो आप लोगों के सामने बात हो गई ना, ये क्लियर, ये इंडिपेंडेंट नाम की हैं, ये हमेशा डिपेंडेंट ही रही हैं। पुत्तन जो है स्क्रिप्ट पर काम करती है, पुत्तन जो है फॉलो करती है बड़के जिजा के स्क्रिप्ट को, है ना, बड़के जिजा की स्क्रिप्ट को, उनकी बातों को, उनके फ़ोन कॉल को। बड़के जिजा के पास इतना समय है, वो एक्चुअली में बता जाते हैं जुठियंका को, तो नेक्स्ट जो है जुठियंका जे सारे काम कर देती है कि नहीं जाना, नन्नू से नहीं मिलना, क्योंकि तेरा दिमाग कम है, जब तू अकेली मिलेगी तो पिघल जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तू उसका नाम लेकर गुनगुनाने लग जाए। बिल्कुल वैसे ही जब जो है ये दुपट्टा और ये लीचड़ गए थे मिलवाने के लिए, तो तुम कहती अरे हम यहाँ खड़े हैं, आ जाओ, तुमने सब व्लॉगिंग में भी दिखा दिया था ना कि वो भी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। जब हमने उस रास्ते जाना नहीं है, तुम्हें हमने तुम्हें भेजना नहीं है, फिर तुम ये हरकतें क्यों करती हो। पुत्तन कहती सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ठीक है, अब इंजॉय करेंगे ना शिमला, समझ गई मैं, अब आगे से ऐसी हरकतें नहीं होंगी, चलो ना उन्हीं शर्मा जी के ढाबे पर जाते हैं, वहीं कुछ खाना पीना करते हैं। वो कहती हाँ अब आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया, अब तो समझदार है, चल तेरे को मोमोज भी खिलाऊंगी। ये कहती चलो अब क्या खाना पीना करना, एंजॉय करना। अब एक चीज़ सुनिए, तीन लोग आराम से पीछे सीट पर आ सकते थे, जानी की दुपट्टा, है ना, और फिर ये कहते हैं पुत्तन और ये मम्मी, है ना, ये आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे। और वो जो है गुलाब चंद, वो बाय बस चला जाता, लेकिन नहीं, बेचारे बसों के धक्के खाते हुए पहुंच ही गए, ट्रेन भी छूट गई, लेकिन अचानक से अपने आप को कहाँ पाया इन्होंने, शिमला। तो ये सारी की सारी तिकड़ी, तिकड़ी नहीं है अब तो बहुत, पूरा ग्रुप इनका, ये भागे यहाँ एचपी से, दूसरे एच है एचपी में ही, मतलब वही पहुँच गए हैं जहाँ जुठियंका, वो जगह जो दिल के करीब रही है उसके, बस इसको जगह ही नहीं मिल पाती वहाँ, ये मतलब रेंट पर ही लेती है जब भी देखो, है ना। अभी फिर इसने कोई कॉटेज वगैरह ले लिया होगा, जो अछूता रह गया था वो वाला लिया होगा, जिसको वो देख नहीं पाई थी वो ले लिया होगा, है ना, ड्रीम हाउस, वो सब इसने ले लिया। तो अब ये सारे के सारे मुफ्त का माल उड़ाने पहुंच गए। अब जिस जिस के वीडियोस में वो चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी वहाँ की, तो समझ लेना कि उस बंदे ने पैसा नहीं खर्च किया। मतलब ये लोग शेयर में चलते हैं, ठीक है, शेयरिंग करते हैं ये लोग, जो मतलब खर्चा करेगा वही वो चीज़ दिखाएगा व्लॉगिंग में। अगर आप लोगों को एक दूसरे तीसरे के व्लॉग में कुछ भी डिफरेंट लगता है ना, समझ लेना भाई खाने का बिल उस बंदे ने दिया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोगों को अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एपिसोड मिलते रहेंगे। दिवाली आनी है, नागिन डांस होना है, और पता नहीं कौन सा बोरस्ता डाल के ऐसे ऐसे डांस जो करती हैं ये माता जी, वो भी डांस होने हैं। करवा चौथ है भाई, करवा चौथ है, वो भी है। अब मेरी एक चीज़ और सुन लो, करवा चौथ पर जब ये वाली करवा चौथ, उन्होंने कहा मुहूर्त नहीं है उद्यापन का,
है ना, बोलिंग है ना ताई जी, तो फिर मेरी बात सुन, दुपट्टा तेरे को क्या जरूरत है वहां जाने की बटाला, क्योंकि सामान तो तुम्हें फिर मिलना नहीं, सामान तो अध्यापन का ही दिया जाता है ना, बाकी लड़कियों को सर्गी तो दी ही जाती है। अच्छा वो सर्गी जो है भाई, तुम्हारे मम्मी तुम्हें पैसे भेज देंगे या कुछ सामान भेज देंगे, दूसरे करवा चौथ पर तुम अध्यापन कर लेना, फिर जाना तुम वहाँ। अभी तुम क्या करने जा रहे हो, तुम रहो ना यहीं पर, खाओ इनके यहाँ माशोलियों की छगनों वाली दाल, है ना, ये सारी बातें। क्योंकि अब जुठियंका भी आई हुई है, अब जो मोटू है, मोटू को माँ की याद ना सता रही, मोटू ना जा रहा वहाँ पर, है ना, अपने भाई से मिलने के लिए भी ना जा रहा। मैंने वीडियोस में आप लोगों से पूछा था, क्या बताइए मुझे, क्या मोटू ने वेज बिरयानी खाई या फिर कोई दूसरी बिरयानी खाई? तो फिर भैया मोटू तो बार बार एक्सपोज है भाई, मोटू तू तोरी से कहाँ पहुँच गया, कहाँ तेरे लिए ये जो जुठियंका मैडम है ये बेचारी डाइटिशियन बन गई है, अचानक से ही प्लस टू वाली डॉक्टर डाइटिशियन बन चुकी है, है ना, और तुम वो की बस ताबड़तोड़ खाने में लगे हुए हो। अब पता लग गया ना कि मोटू कुछ और खाता है, ये बेचारी अपने लिए ही ज्वारे जूरे की रोटियां बनाती रहती हैं, खाती रहती हैं, और भाई इसको करेले और अचार में फर्क नज़र ना आया। हे राम, ये कौन से जहान की ये बंदी है बताओ मुझे, ठीक है, कुछ भी ये कर रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, इतना मायूस सा एपिसोड बनाती हैं कि क्या ही बताऊँ, बेचारी सी बनी रहती हैं, पगली सी बनी रहती हैं, दुनिया जहान की खबर ही नहीं बेचारी को, ओए होए, ये तो इतनी वो हो रखी है ना कि बस अब कहती अच्छे अच्छे एपिसोड में आप लोगों को आएंगे और ऐसे ऐसे सरप्राइज आपको मिलेंगे। भाई तू कब सरप्राइज नहीं देती है, हमेशा तू सरप्राइज के नाम पर शॉक्ड देती है, शॉक्ड देती है तो अपने व्यूअर्स को, ठीक है, और ये बम बम दिखाने ना बंद करो, हमें साफ बोलो, मूड मत खराब किया करो व्यूअर्स का, कमेंट करते हैं हमें भी आके बोलो, ओके, और क्या, और कुछ नहीं, इंजॉय करिए, मोटू आने वाले दिनों में अपने मायके में ही पाया जाएगा, साफ बता रही हूँ, मोटू की हाइड एंड सिक जो है अब ख़त्म हो चुकी है, मोटू अपने मायके पहुँचेगा, वहीं पर खाएगा माँ राजमा शगनों वाली दाल एक्चुअली में, ठीक है, और फिर अपने भैया के साथ उड़ाएगा पार्टी, पार्टी करेगा, उसको पार्टी करने का बहुत शौक है मोटू को, वो भी करेगा और जो खाना चाहता है वो खाएगा। मोटी तेरे से नहीं, ये मोटी नहीं है यार, ये मोटी नहीं है, अब बताना ये कौन है, मेरे को तो ये कमजोरी लाल लग रही है, जुठियंका कमजोरी लाल, लेकिन पुत्तन को भी एक्सपोज कर दिया, बता दिया वो अकेली नार जो कहीं अकेली नहीं जा सकती थी, हमेशा दोकेली ही जा सकती है, लेकिन अभी भी तो अकेली ही तो थी, मम्मी जी के साथ ये पहुंच गई हैं शिमला, अभी इनके सारा ग्रुप जो है मिलके करेगा हंगामे, तो क्या क्या होंगे हंगामे उसके लिए आप लोगों को डिम्पल व्लॉग्स पर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो भी हंगामा करेंगे इंजॉय करेंगे अपने एपिसोड में और अपने तरीके से, मैं इंजॉय करूँगी अपने, इंजॉय करवाऊँगी अपने व्यूअर्स को, ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।